नगर निकाय चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने खर्च को लेकर प्रावधान जारी किए हैं, जिसके तहत कोई व्यक्ति नगर पंचायत के किसी वार्ड का चुनाव लड़ता है तो वे चुनाव में कुल 20,000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। इसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति नगर परिषद के किसी वार्ड में चुनाव लड़ रहा हो तो वे 40,000 रुपए ही खर्च कर सकते हैं। वहीं नगर निगम के किसी वार्ड के मामले में जिसकी आबादी 10,000 से 20,000 या इससे अधिक हो 80,000 रुपए, जबकि मुख्य पार्षद एवं उप मुख्य पार्षद के मामले में संबंधित नगर निकाय के लिए वार्ड वार निर्धारित राशि उस निकाय के कुल वार्डों की संख्या के गुणक के आधी होगी। यानी मेयर प्रत्याशी चुनाव में 18 लाख तक खर्च कर सकते हैं। प्रावधान के तहत अगर कोई अभ्यर्थी जिसने स्वयं या अपने निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा उक्त राशि से अधिक व्यय किया है तथा निर्वाचन में किए गए सभी खर्चों का अलग एवं सही ब्योरा रखा है या परिणाम की घोषणा के 30 दिनों के अंदर निर्वाचन व्यय से संबंधित लेखा प्रस्तुत करने में असफल रहता है, ऐसे लोगों पर कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह जिला पदाधिकारी रोशन कुशवाहा ने बताया कि नगर पालिका के स्वच्छ, निष्पक्ष एवं सुव्यवस्थित वातावरण में चुनाव संपन्न कराने के उद्देश्य से राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचित व्यय लेखा को लेकर निर्देश जारी किया गया है, जिसे हर प्रत्याशी को सही और शत प्रतिशत पालन करना आवश्यक है। उन्होंने कहा कि निर्वाचन व्यय लेखा बिहार नगर पालिका अधिनियम 2007 के नियम 101 के तहत अभ्यर्थी उसके निर्वाचन अभिकर्ता को व्यय लेखा नाम निर्देशन की स्थिति एवं निर्वाचन परिणाम घोषणा की तिथि की अवधि में निर्वाचन से जुड़े सभी खर्च जो अभ्यर्थी या उसके द्वारा प्राधिकृत किए गए हो सही लेखा संधारित करेंगे। इसी प्रकार नियम के अंतर्गत कोई भी अभ्यर्थी अथवा उसके निर्वाचन अभिकर्ता द्वारा किसी नगर पालिका वार्ड में तय राशि से अधिक कोई व्यय न किया जाए न ही प्राधिकृत किया जाएगा। ज्ञात हो कि बिहार नगर पालिका निर्वाचन नियमावली के नियम के तहत अभ्यर्थी को निर्वाचन परिणाम की घोषणा की तिथि से 30 दिनों के अंदर व्यय विवरणी निर्वाचन पदाधिकारी के समक्ष दाखिल करना होगा। निर्वाचन व्यय लेखा प्रस्तुत नहीं करता है और चूक के लिए कोई युक्त कारण नहीं दिया जाता है तो राज्य निर्वाचन आयोग आदेश द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर देगा। ऐसा व्यक्ति की तारीख से 3 वर्षों की अवधि तक चुनाव को लेकर अयोग्य ही रहेगा। तो ऐसे में अब जो भी लोग इस बार नगर निगम में चुनाव लड़ने की सोच रहे हैं, चाहे वो वार्ड पार्षद हो, चाहे वो मेयर हो, चाहे वो डिप्टी मेयर हो, तो वो पहले से सावधान हो जाए और जो राशि दिखाई गई है, जो सूचना जारी की गई है, उतना ही खर्च करे। अगर उससे वो ज़्यादा खर्च करते हैं तो उनका नामांकन भी रद्द हो सकता है और साथ ही साथ वो चुनाव से बाहर भी हो सकते हैं। आप देख रहे हैं लाइव सिटीज, हमारे साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक करना ना भूले। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।